तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आतंकवाद समाप्त हो गया, नक्सलवाद समाप्त हो गया। और भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में थोड़ा बचा पूछा है, मेरी मोदी गारंटी सुनकर रखो, 2 साल में छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को भी हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। भाइयों बहनों, यहाँ की बॉर्डर सुरक्षा, नेपाल की बॉर्डर पर अवैध एंक्रोचमेंट हो रहा है। मैं आपको बताकर जाता हूं, नेपाल की बॉर्डर को सुरक्षित करना एक अगली सरकार में नरेंद्र मोदी का प्राइम एजेंडा है, प्राइम एजेंडा। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब हमारे सीतामढ़ी के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए, 700 करोड़ से शिवहर, सीतामढ़ी, जयनगर, नररिया 2 लेन सड़क का निर्माण किया। सीतामढ़ी पुपरी बेनीपट्टी में 55 किलोमीटर की सड़क बनाई, जामरा नदी पर सुपोना बीट बन रहा है, सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज बनाया, सीमावर्ती इलाकों में सड़क का निर्माण जारी है, मुजफ्फरनगर सीतामढ़ी, दरभंगा सीतामढ़ी, रक्सौल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ, पुनौरा धाम को फिर से विकसित कर रहे हैं, मैसूर से बाजार समिति रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया, 1,73,000 लोगों को घर दिया, 2,50,000 लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया और 3 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन, 6 लाख लोगों को मुफ्त अनाज, 5 लाख लोगों को नल से जल और 2 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे अब सीतामढ़ी वालों इतना बताओ, हम बिहार और भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या आप नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो यार, मैं इतने दूर से आया हूं, बनाओगे? कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? अरे कैसे बनाओगे? मैं बताता हूं वोट कहां देना है। देवेश चंद्र ठाकुर जी आगे आइए जरा, हमारे साथी देवेश चंद्र ठाकुर का तीर का निशान है, जरा जोर से बोलो कौन का निशान है? तीर के निशान पर पूरे बिहार में जहां जहां वोट दोगे, वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा, समझ गए आप? तो मुझे बताओ, तीर के निशान पर वोट डालोगे? जोर से बोलो भाई, डालोगे? 400 पार कराओगे? लालू जी का सुपड़ा साफ करोगे? फिर से मोदी सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए। फिर से एक बार कहकर जाता हूं, लालू जी को पूछना, इतने साल हुए पुनौरा धाम के लिए क्या किया? मैं कहकर जाता हूं, पूरी दुनिया आए ऐसा धाम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, और हमारे जनकपुर को, हमारे सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, रीगा का चीनी मिल बहुत बड़ा था, अंग्रेजों के जमाने से रीगा की चीनी हमारे गुजरात तक आती थी, 5 साल से बंद पड़ी है। मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट शुरू किया है, रीगा का चीनी मिल चालू करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। और भाइयों बहनों, अब इसमें इथेनॉल भी बनेगा, चीनी भी बनेगा, गुड़ भी बनेगा और इसका मुनाफा
सीधा रीगा के किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज मित्रों, वहां मोदी जी ने नारा दिया वो जय सियाराम का, संघर्ष का नारा जय श्री राम था। मोदी जी ने आके मां सीता को जोड़कर भक्ति और समर्पण का नारा दिया जय सियाराम। और भाइयों बहनों, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, लालू जी, इनके बेटे खड़गे जी, राहुल बाबा, सबको निमंत्रण दिया गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आप सीतामढ़ी वालों पूछना जरा, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए मालूम है? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का। अरे जो अपने आप को रामलला के मंदिर से दूर रखे हैं वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल भारत, न केवल बिहार, न केवल पूर्वांचल, मिथिलांचल, पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र हमारा सीतामढ़ी बने, ऐसा भव्य मंदिर बनाने का। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम किया है। मैं आज लालू जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और केंद्र मिलकर आप 25 साल सत्ता में रहे, कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना याद आया? आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपका काम तो बेटा, बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, उसका ही देखना। भाइयों बहनों, कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे जिसने अति पिछड़ा समाज, किसान, गांव, गरीब, दलित, इस सभी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी आज वही एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाकर हमेशा के लिए इतिहास में अमर करने का काम हमारे नरेंद्र। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जीवन, एक राजनीतिक पार्टी का भी जीवन होता है, पूरा जीवन जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का सबसे पहला रिपोर्ट अगर कभी आया तो काका साहेब काले लिखकर कमीशन
1955 में आए, कांग्रेस का जमाना था, राहुल जी के दादी के पिताजी शासन करते थे, रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा का हर एक क्षण सालों तक पिछड़ गए। फिर मंडल कमीशन बना, राहुल जी की दादी आई, उन्होंने भी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिला। फिर राहुल जी के पिताजी आए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा हो रही थी, 2 घंटा 40 मिनट तक राजीव गांधी ने उसका विरोध करने का काम किया, भाइयों विरोध करने का काम किया। उन्होंने कभी भी पिछड़ा अति पिछड़ा महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए एक कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। खैर आरक्षण मिल गया,